सैदनगली थाना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश। जनपद अमरोहा के थाना सैदनगली पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा कर अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने किया। बता दें कि जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना सैदनगली पुलिस को सूचना मिली। धरवारसी रोड पर निर्माणाधीन शमशान घाट शमशान के पास बनी कोठरी में अवैध असलहों का निर्माण करते हुए फूल कुंवर पुत्र नन्हे सैनी निवासी मोहल्ला गढ़ी कस्बा उजारी थाना सैदनगली को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। सैदनगली थाना क्षेत्र में धरवारसी रोड पर एक व्यक्ति एक निर्माणाधीन शमशान के पास बनी कोठरी में गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से करीब 7 तमंचे बने हुए, 5 अधबने तमंचे, कारतूस तथा शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति के खिलाफ करीब 9 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं। इस तरह से पुलिस की बड़ी सफलता है। इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, इसके अन्य साथी भी थे। अब आगे की जानकारी मुखबिरी के द्वारा और जांच पड़ताल के द्वारा पता करेंगे। यह हथियार बनाए जाते किसने थे, कोई चुनाव के टाइम में के लिए या फिर किस चीज़? इनका मुख्य पेशा है हथियारों को बना के बेचना। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने फरार हैं? एक गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, पुलिस टीम को क्या पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। कितना?